हिसार जिले में ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही जारी है। शनिवार को इस विषय पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें नंदग्राम गृह निर्माण सहकारी संस्था और जागृति गृह निर्माण सहकारी संस्था से संबंधित शिकायतों को सुना गया। इस दौरान राज गृह रहवासी संघ के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वह अपनी शिकायत करने लगे। इस दौरान अध्यक्ष विमल मिश्रा ने किसी शांतिलाल बाम और उनके लड़के पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी कर एक एक प्लॉट की तीन तीन चार चार रजिस्ट्री कर दी है, जिसके बाद उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व तत्कालीन कलेक्टर को इसकी शिकायत की थी, जिस पर हाई पावर कमेटी बनाई और पाया कि जांच में 80 लोगों की डबल और कुछ लोगों की पांच पांच सात सात रजिस्ट्रियां बनी हुई है। पीड़ित ने बताया कि जिला न्यायालय में इन पर केस भी चल रहा है। वहीं संस्था अध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया कि करीब 400 लोगों को संस्था द्वारा कब्जा दिया जा चुका है, साथ ही 494 लोग ऐसे हैं जो डेवलपमेंट शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं और उन पर कार्यवाही करने की भी संस्था के लोगों ने मांग की है। साथ ही सभी ने बिल्डिंग परमिशन दिए जाने की भी मांग की है। इंदौर में जो गृहमान सहकारी समिति के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन शिकायतों के पारदर्शी और तथ्यात्मक निराकरण के लिए हम लोगों ने विशेष जनसभा का आयोजन किया है। इसी क्रम में आज नंदगृह निर्माण सोसाइटी और जागृति गृहमान सोसाइटी की जो सदस्य थे उनको सुनवाई का अवसर दिया था और जो तीन चार प्रमुख तरह के बिंदु निकल के सामने आ रहे हैं। पहला ये कि कुछ लोगों के पास उनके पास पैसे उन्होंने जमा किए थे, उनके पास पूरे रसीदें हैं, परंतु उनको रजिस्ट्री नहीं की गई है। कुछ लोगों को रजिस्ट्री की गई है, परंतु उन्हें कब्जा नहीं मिला है। और कुछ प्रकरणों में इस तरह की जानकारी भी सामने आई है कि एक ही प्लॉट की एक से ज़्यादा व्यक्तियों को रजिस्ट्री कर दी गई है। कुछ जगह संस्था के पास ज़मीन ज़्यादा है, परंतु उन्होंने कॉलोनी परमिशन के लिए ज़मीन कम ली थी। तो इस तरह के मुद्दे सामने आए हैं। हमने अपनी जो अधिकारी की टीम डेप्यूट की है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर इन दोनों समितियों के जो शिकायतें हैं और अंतिम निराकरण के लिए एक रोडमैप तैयार करके और हम लोग जो भी कार्यवाही कर रहे हैं सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे वो कॉपरेटिव की टीम हो या राजस्व की टीम हो, कि समिति के जो सदस्य हैं जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाए। इसके लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के नंबर्स भी लिए हैं और समय समय पर प्रेस रिलीज भी जारी करें। स्क्वायर फीट प्लाट कम किए हैं वो वास्तव में जो हमारे भाई पीढ़ी डबल ट्रिपल वाले जो वैधानिक रूप से पात्र हैं उनको बिल्कुल मिलना चाहिए और हम उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई में हम उनके साथ हैं और उनको बिल्कुल प्लाट मिलना चाहिए। मैं विमल मिश्रा, हम लोग राजगृही रहवासी संघ के सदस्य हैं और हम लोग विगत 20-22 वर्षों से अपने प्लाट के लिए जूझ रहे थे। बीच में जब आदरणीय विवेक अग्रवाल साहब यहाँ कलेक्टर थे, हमने एक आवेदन एक शिकायत उनसे की थी कि जो तत्कालीन संस्था के अध्यक्ष शांतिलाल बाम उनके लड़के उन्होंने एक एक प्लाट की तीन तीन चार चार रजिस्ट्रिया कर दी गई थी, तो उनके खिलाफ हाई पावर कमेटी बनाई गई, उनने जांच की और ये पाया कि 80 लोगों के डबल ट्रिपल और कुछ लोगों की पांच पांच और सात सात रजिस्ट्री थी। इस कारण से उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया और वो मुकदमे आज की तारीख में जिला न्यायालय इंदौर में पेंडिंग है उन लोगों के खिलाफ। आज हम लोग जो रहवासी संघ के सदस्य हैं जिसमें से लगभग 400 लोगों को विधिवत रूप से कब्जा संस्था के द्वारा दिया जा चुका है, जो एक नंबर के प्लाट होल्डर हैं और एक नंबर के लगभग 494 प्लाट होल्डर अभी भी नहीं आ रहे हैं, वो डेवलपमेंट शुल्क भी जमा नहीं कर रहे हैं। तो वो आज हमने माननीय महोदय से निवेदन किया कि जो ऐसे लोग सो रहे हैं जो डेवलपमेंट शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं जिसके कारण हमारे कॉलोनी का काम प्रभावित हो रहा है, उनके खिलाफ विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई की जाए और उनको निर्देशित किया जाए और अगर वो नहीं आए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। दूसरा, हमने ये निवेदन किया है कि 400 लोगों ने जिन्होंने डेवलपमेंट शुल्क जमा कर दिया है उनकी बिल्डिंग परमिशन शीघ्र अतिशीघ्र नगर निगम से दिलाने की कृपा करें। तथा दूसरा निवेदन ये भी किया है कि मनीष सिंह साहब द्वारा जो हमारा नक्शा संशोधित नक्शा रिवोक कर दिया गया था उसको विधिवत रूप से पुनः पुनर्जीवित करें, इसकी हमने माननीय महोदय से निवेदन किया है और हमको आशा है कि जो मुहिम चल रही है और आदरणीय कलेक्टर साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास है कि हम सब सदस्यों को न्याय मिलेगा और उनको प्लाट मिलेगा। मैं विमल मिश्रा, अध्यक्ष राजगृही रहवासी संघ।